Yes, good morning students. Now we will continue with the same chapter, that is the Mughal Empire part 1, and today I am going to take the other part of this chapter. Earlier I have sent the videos with you, so aapne dekhi hongi videos. I hope everything is clear. Now we are going to start with the provincial administration. The whole empire was divided into 15 subas or provinces. The Suba was further divided into a number of sarkars, and each of these were further divided into a number of parganas. Parganas, a group of villages made one pargana. So students, आपने इसको underline करना है pencil से. Please underline, a group of villages made one pargana. The pattern of administration at the capital was applied to the subas also. जितने भी अलग अलग provinces थे, तो जिस तरह से administration, मतलब पूरा workout हो रहा था वहाँ पे administration में, तो वो ही चीज़ें apply की जाती थी different provinces में, subas में. The governor of the province, the सूबेदार, was the most important person in the province. और सबसे important person province में कौन था? सूबेदार. The कोतवाल was the in charge of the town administration. आपने इसको underline करना है. कोतवाल in charge of the town administration. शहर के जो देख रेख है वो कोतवाल के अंडर थी. द ड्यूटी ऑफ द कोतवाल वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इंस्पेक्ट वेट्स एंड मेजर्स यूज बाय द मर्चेंट्स, एंड टू कीप ए रजिस्टर ऑफ ऑल द पर्सन लिविंग इन द टाउन्स एंड इट्स नेबरहुड इंक्लूडिंग द विजिटिंग फॉरनर्स. तो ये जो कोतवाल थे, इनका क्या काम था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस रखना, अमन शांति रहे एरियाज में. इंस्पेक्ट मतलब देखभाल करनी, तकड़ी बट्टे होते थे. वेट्स एंड मेजर्स तो आजकल भी हैं, जो कि मर्चेंट्स कहते हैं, जो कि चीज़ें बेचते हैं, डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं. द पर्सन्स लिविंग इन द टाउन, शहरों में जो रह रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द, उसके आस पास नेबरहुड, इंक्लूडिंग द विजिटर फॉरनर्स, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, फॉरनर्स जो हैं, आउटसाइडर्स, वो भी, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं सही चल रही हैं कि नहीं. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द रेवेन्यू सिस्टम. द लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट. आपने लैंड को अंडरलाइन करना है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. बिकॉज द स्टेट ऑफिसर्स एंड द मनसबदार्स वर पेड देयर सैलरी इन ग्रांट ऑफ जागीर. जागीर किसको कहते हैं? लैंड को, ज़मीन को. देवर पेड देयर सैलरी इन ग्रांट ऑफ जागीर, एंड इट वॉज नेसेसरी टू नो हाउ मच रेवेन्यू ए पर्टिकुलर जागीरदार वुड कलेक्ट एंड हाउ मच ईच वन ऑट टू प्रोवाइड. कितना जो है एक ज़मींदार, जो जागीरदार है, ये ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है फाइन, लैंड रेवेन्यू टैक्स, और कितना लोग दे सकते हैं. दिस इंफॉर्मेशन मेड इट सिंपल फॉर द एम्परर टू ग्रांट ए जागीर. उसके हिसाब से, मतलब जो एम्परर था, जो राजा था, उसको बहुत ही आसान हुआ कि कितनी जागीर, कितना लैंड वो दे सकता है. राजा टोडरमल वॉज द इन चार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड लैंड असेसमेंट. इसको आपने अंडरलाइन करना है, राजा टोडरमल को. ही वॉज द इन चार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू. सारा टैक्स जो है ये कलेक्ट करता था, एंड ही ऑल्सो असेस्ड द टाइप ऑफ लैंड. असेसमेंट मतलब देखना कि लैंड जो है किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितना लैंड है, ये सारी चीज़ें जो थी वो राजा टोडरमल के अंडर थी. इनकम फ्रॉम ट्रेड, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड वॉज नॉट सो लार्ज. गुजरात एंड बंगाल वर द टू इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ फॉरन ट्रेड, एंड इंडिया कैरिड ऑन ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, पर्जिया एंड रशिया. शी एक्सपोर्टेड, शी मीन्स इंडिया, एक्सपोर्टेड मतलब सोल्ड, बेचना, टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पैटर एंड स्पाइसिस, लिटरेचर, एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स.
Akbar never learned to read and write, but he was fond of knowledge, so he learned by ears than by eyes. हालांकि अकबर जो है इसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी उसको नॉलेज गेन करने का बहुत शौक था. ही मेड बेस्ट ऑफ द बुक्स रीड आउट टू हिम. ही वुड डिस्कस द आइडियाज़ कंटेंड इन दिस बुक्स विद एमिनेंट स्कॉलर्स. एमिनेंट स्कॉलर्स मतलब फेमस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन्स. अकबर्स कोर्ट हैड टू लिटरेरी जेम्स. बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज थी उसकी कोर्ट में, नेमली अबुल फजल एंड फैजी. इसको आपने अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन दीज टू, द सन्स ऑफ शेख मुबारक, एंड दीज टू वर द सन ऑफ शेख मुबारक.